एंटोनिम्स में लगभग यहाँ पे 30 से 35 इंपॉर्टेंट आपके अपोजिट वर्ड्स कवर करने वाला हूं, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइट, तो लाइट के दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है प्रकाश और एक होता है हल्का। जब लाइट का मतलब प्रकाश होता है तो इसका अपोजिट होगा डार्क, यानी कि अंधेरा। प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, डार्क। और जब इस लाइट का मतलब हल्का होगा तो इसका हो जाएगा हैवी। तो कहने का मतलब इस लाइट के दो अपोजिट होते हैं, डार्क और फिर हैवी। नेक्स्ट वन इज लूज। इस लूज के भी दो मतलब होते हैं, एक तो होता है हारना और दूसरा होता है खोना। जब लूज का मतलब हारना होता है तो इसका अपोजिट होगा विन। क्या होगा? विन यानी कि जीतना। और जब लूज का मतलब खोना होगा तो इसका अपोजिट होगा फाइंड यानी कि पाना। तो गाइस लूज के कितने अपोजिट हो गए? दो, विन और फाइंड, विन और फाइंड। अब बच्चे कंफ्यूजन कि सर एग्जाम में अगर लूज आ गया तो हम विन लिखें कि फाइंड लिखें? बेटा कुछ भी लिख दो, विन लिख दो या फाइंड लिख दो या दोनों लिख दो, नंबर मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। अगला देखिए राइट। राइट का मतलब होता है सही और इसका मतलब दायां भी होता है, दायां हाथ होता है ना अपने, राइट लेफ्ट। तो राइट का मतलब जब सही है तो इसका अपोजिट होगा रॉन्ग। इसको क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग, डब्लू साइलेंट हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे डब्लू को, राइट का रॉन्ग। और जब राइट का मतलब दायां होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा लेफ्ट। सुना है खूब? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अगला देखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, इसका हो जाएगा लॉस। इसको लॉस पढ़ते हैं, लॉस का मतलब हानि। अरे यार लॉस चला गया, बिजनेस में लॉस चला गया, उस वाली डील में लॉस चला गया। हाँ, प्रॉफिट लॉस बिजनेस का हिस्सा होता है। अगला देखिए ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। अब हिंदी में होगा बंद करना, उल्टा इसका। तो ओपन के हो जाएंगे दो अपोजिट, शट और क्लोज। इन दोनों का मतलब ही होता है बंद करना। ओपन का क्या हो जाएगा? शट या क्लोज। नेक्स्ट देखिए इजी। इजी का मतलब होता है आसान, सरल। इजी का क्या होगा अपोजिट? डिफिकल्ट और हार्ड। इन दोनों का मतलब होता है कठिन। क्या मतलब होता है? कठिन होता है, डिफिकल्ट या फिर हार्ड, दोनों में से कुछ भी लिख दो। और इनमें अगर हार्ड आ जाए, उल्टा इधर का इधर, इधर का इधर, कैसे भी आ जाए आपको अपोजिट लिखना उसका। अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो इजी लिख दो, हार्ड भी आ रहा है तो इजी लिख दो, इजी आ रहा है तो ऐसे लिख दो, अगर इधर से सट आ रहा है ओपन लिख दो, क्लोज आ रहा है तब भी ओपन, ओपन आ रहा है तो कुछ भी लिख दो। यानी अपोजिट का मतलब उल्टे का पुल्टा, इधर का इधर, अपोजिट। अगला देखिए फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, दोस्त, सखा। अब फ्रेंड का अपोजिट एनिमी और दूसरा होता है फो। इसको फो पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग शत्रु के लिए यूज करते हैं। फो और एनिमी दोनों का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, शत्रु होता है, दुश्मन होता है। अगला देखिए हैप्पी। हैप्पी का अनहैप्पी और सैड, दोनों ही अपोजिट होते हैं। हैप्पी में अन आपने उपसर्ग जोड़ दिया, प्रीफिक्स जोड़ दिया तो अनहैप्पी हो गया, और इसका उल्टा सैड होता है यानी कि दुखी। अगला चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। और इसके दो अपोजिट हो जाएंगे कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव। कॉस्टली या एक्सपेंसिव, इनका मतलब होता है महंगा। अगला देखिए क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक। इसका हो जाएगा स्टूपिड या फिर फूलिश। स्टूपिड या फूलिश, इसका मतलब होता है मूर्ख। तो ये दो अपोजिट हो जाएंगे। अगला देखिए वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। अब इसके दो अपोजिट हो जाएंगे पैट या फिर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, घरेलू जानवर, पालतू जानवर। तो इसके दो अपोजिट होते हैं पैट और डोमेस्टिक, यानी कि पालतू या फिर घरेलू। तो गाइस जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। बारंबार गाइस, स्वीट का मतलब होता है मीठा या फिर मधुर। स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा या फिर मधुर। अब मीठा है तो उसका क्या होगा? खट्टा या फिर कड़वा।
अपोजिट इंग्लिश में स्वीट का हो जाएगा शॉवर या फिर बिटर, शॉवर बिटर। दो होते हैं इसके, किसके? स्वीट की, खट्टा या फिर कड़वा। अगला देखिए ओल्ड, और ओल्ड के कितने मतलब होते हैं? दो मतलब होते हैं, पुराना या बूढ़ा। वृद्ध होता है ना, बुजुर्ग हो जाता, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओल्ड मैन आ गया, ओल्ड वुमन। तो ओल्ड का अगर मतलब पुराना है तो ओल्ड का अपोजिट होगा न्यू, और ओल्ड का मतलब बूढ़ा है तो अपोजिट होगा यंग। यानी कि कितने अपोजिट? दो अपोजिट। क्यों? क्योंकि इसके मतलब दो हैं, मतलब दो अपोजिट दो, मतलब दो अपोजिट दो। अगला हेल का मतलब होता है नरक। क्या होता है? नरक होता है। नरक का हिंदी में कहते हैं स्वर्ग, इंग्लिश में कहेंगे हेवन या पैराडाइज। दोनों का मतलब ही क्या होता है? क्या होता है? स्वर्ग होता है। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। अगला देखिए पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर, और जहर का होता है अमृत, और उसको इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। नेक्टर का मतलब क्या होता है? अमृत। नेक्टर का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। अगला देखिए नेचुरल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक, प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक। इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। मैन मेड यानी कि मानव द्वारा निर्मित, या इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम। क्या कहेंगे? कृत्रिम। तो दो इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, नेचुरल का आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। अगला देखिए फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। आजादी का क्या हो जाएगा? गुलामी हो जाएगा, दासता हो जाएगा। इसकी इंग्लिश देखिए, फ्रीडम का अपोजिट स्लेवरी या फिर थ्रेलडम। थ्रेलडम, थ्रेलडम, टुकड़े कर करके याद करो, हम रोटी को खा जाते हैं ना टुकड़े कर करके, ऐसे ही खा जाओ इनको, खा जाओ का मतलब याद कर लो। स्लेवरी याद हो गया, थ्रेलडम याद हो गया। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है दासता, इसका मतलब होता है गुलामी, इसका मतलब होता है अधीनता। बिल्कुल कोई भी वर्ड यूज करो, डोंट वरी। अगला देखिए स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, और छोटा का हिंदी में हो जाएगा बड़ा। तो बिग को भी बड़ा कहते हैं, और लार्ज का मतलब भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो स्मॉल का हो जाएगा बिग या फिर लार्ज। अगला देखिए स्लीप। स्लीप का मतलब सोना, जब सोएंगे तो जागेंगे भी, हाँ, तो सोना का जागना। गेट अप और वेक अप, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? जागना होता है। क्या मतलब होता है? जागना होता है। गाइस आपको बता दूं, गेट अप का मतलब होता है बिस्तर से उठ जाना, अलग हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं गेट अप। और वेक अप का मतलब क्या होता है? नींद तो खुल जाती है, लेकिन हम सुबह सुबह बिस्तर में आराम से पड़े रहते हैं, मीठे मीठे सपने देखते रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग वेक अप, यानी नींद से जाग जाना। आंखें खुल गई हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही बिस्तर में हैं, उसको वेक अप कहेंगे, और गेट अप बिस्तर से अलग हो जाना। राइट गाइस, अगला देखिए मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। इसका हो जाएगा एंशियंट, एंशियंट या फिर आउटडेटेड। आउटडेटेड यानी कि प्राचीन, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? प्राचीन। तो कहने का मतलब मॉडर्न के दो अपोजिट, एंशियंट या फिर आउटडेटेड, कोई भी आप लिख दो, दोनों ही सही है। अगला देखिए क्लीन माने साफ, और डर्टी का मतलब गंदा, क्लीन का हो जाएगा डर्टी। अगला फैमिलियर, जो फैमिली की तरह होता है, यानी जान पहचान वाला होता है, उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में परिचित, फैमिलियर, इंग्लिश में फैमिलियर। अब इसमें अनप्रीफिक्स जोड़ दिया तो ये बन गया अनफैमिलियर, या फिर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अनजान, अजनबी, जिसको हम नहीं जानते, उसको कहते हैं अनफैमिलियर या फिर स्ट्रेंजर। अगला वर्ड सेल। सेल माने होता है बेचना, सेल माने बेचना। अब बेचेंगे तो कोई खरीदेगा भी ना, हाँ, तो खरीदने को कहते हैं बाई या फिर परचेज। बाई और परचेज दोनों का मतलब क्या होता है? खरीदना होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है सर? हाँ,
जब हम कोई कम पैसों की चीज खरीदते हैं ना उसको बाई कहते हैं, और ज्यादा पैसों की चीज खरीदते हैं उसको परचेज कहते हैं। तो गए जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। गाइस अगला जो वर्ड है वो देखिए, यूजफुल। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको फुल मिल जाए तो आप फुल को हटा के लेस लगा दो, उसका अपोजिट बन जाएगा, और लेस मिल जाए तो फुल लगा दो, है ना। देखो यूजफुल यूजलेस, यूजफुल यूजलेस, ऐसे हार्मफुल हार्मलेस होता है, हार्मफुल का हार्मलेस, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है, फुल को उठा के लेस लगा देना, उपयोगी, और इसका हो जाएगा अनुपयोगी। उपयोगी का क्या हो जाएगा, अनुपयोगी, जो चीजें काम में नहीं आती उसको हम लोग कहते हैं यूजलेस। अगला ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। ऐड का सब्ट्रैक्ट, आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखनी, सिर्फ इंग्लिश लिखनी है, ऐड का सब्ट्रैक्ट लिखना है, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको सिखाने के लिए, आपका वोकैब बढ़ाने के लिए मैं आपको हिंदी दे रहा हूं। ऐड जोड़ना हो गया, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना। अगला देखिए हेयर का देयर, यानी यहां का वहां हो जाएगा, हेयर का देयर। सेम का डिफरेंट, सेम का मतलब समान, एक जैसा, और डिफरेंट का मतलब अलग अलग भिन्न। डिफरेंट का मतलब कैसा हो जाएगा, अलग अलग, ये होता है डिफरेंट। कैसे याद करेंगे, DIFFERENT, टुकड़े कर लो, टुकड़े टुकड़ों में कर लो इसको याद, ठीक है। अगला देखिए एपियर, कितनी सरल है, APPEAR, देखो एपियर एपियर APPEAR एपियर। अब इसमें सिर्फ क्या जोड़ना है, डिस जोड़ दो, डिस एपियर हो जाएगा, सिंपल है बहुत ज्यादा। एपियर का प्रकट होना, और डिस एपियर का मतलब होता है गायब होना, गायब होना, गायब हो जाते हैं ना भूत, है ना। हाँ अगला देखिए बिफोर का मतलब पहले, और आफ्टर का मतलब बाद में, तो बिफोर का हो जाएगा आफ्टर। अगला वाइड का मतलब चौड़ा, और नैरो का मतलब, नैरो का मतलब संकरा, संकीर्ण, इसको संकरा कहते हैं या फिर संकीर्ण कह दो, तो संकरा हो जाएगा, नैरो का मतलब संकरा। अगला फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध विख्यात, और नोटोरियस का मतलब कुख्यात, नोटोरियस का मतलब कुख्यात। अच्छा इन दोनों में हिंदी में क्या मतलब है, देखो फेमस कोई चीज अच्छे काम करके उसको कहते हैं फेमस, अच्छे काम करके जो प्रसिद्ध हो रहा है वो फेमस, और बुरे काम करके जो व्यक्ति फेमस हो रहा उसको कहते हैं हम लोग कुख्यात। कु माने बुरा, और ख्यात जो ख्याति पा रहा है, प्रसिद्धि पा रहा है, तो उसको कुख्यात, और इंग्लिश में कहेंगे नोटोरियस। अगला बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग बोरो, और लेन का मतलब होता है उधार देना हो जाएगा। तो बोरो का आपको याद रखना है लेंड, LEND, LEND। अगला हाई ऊंचा, लो का मतलब होता है नीचा, ब्यूटीफुल अगली, या इसको हम लोग ब्यूटी लेस भी कह सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया ना कि देखो फुल को हटा के क्या लगा देंगे, लेस लगा देंगे, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटी लेस भी होता है, क्या होता है ब्यूटी लेस। ये आपको याद रखना है कि जब फुल की जगह आप लेस लगा दोगे तो उसका अपोजिट बन जाएगा। अगला नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, इस नेवर से आप एन हटा दो, एवर रह गया यानी कभी भी, ऑलवेज हमेशा, नेवर के दो अपोजिट होते हैं एवर और ऑलवेज। अगर ऑलवेज मिले तो आपको नेवर करना है, एवर मिले तो नेवर करना है, ये ध्यान रखना आपको। अपोजिट का मतलब उल्टा, उल्टे का उल्टा, कैसे भी मिले आपको सीधा करके लिख देना। अगला देखिए टॉप, टॉप का मतलब होता है ऊपरी सिरा, सबसे ऊपर होता है उस सिरे को हम लोग टॉप कहते हैं, और बॉटम, बॉटम का मतलब सबसे निचला जो सिरा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉटम कहेंगे,
निचला सिर। तो गाइस ये आज आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जो वीडियो है ना, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो गाइस ऐसी वीडियोस पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो गाइस फिर मिलते हैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डीआरआर के स्ट्रीमिंग शुरू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।